हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सीमा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप आईलैशेस को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में किस तरीके से लगा सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं इसी चीज़ के लिए कि दी कोई इजी वे में आईलैशेस लगाना बताएं। तो गाइस, मैं ये वीडियो आपके लिए ही लाई हूँ जो बिगनर है, स्पेशली जिनको लैशेस लगाना नहीं आता। तो इस तरीके से आप बहुत ईजी से लैशेस लगा सकते हैं और लैशेस आप कोई भी ले सकते हैं। इस तरीके की लैशेस आती है जो कि 3D मिंक आईलैशेस होती है। ये नेचुरल लगती हैं लगाने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ लैशेस ऐसे भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगती है। तो मेक श्योर जब भी आप लैशेस खरीदें वो 3D मिंक लैशेस हो। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, 100 रुपीज़ की रेंज में आपको मिल जाएगी इस तरीके की लैशेस। तो आप जब भी लैशेस लें, एक तो लैशेस कुछ रियल जैसे लगनी चाहिए, फेक तो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। सेकेंड, एक जब आप ग्लू लेते हैं, क्योंकि इनके साथ जो ग्लू आता है वो बिल्कुल भी काम का नहीं होता, और आप लोग क्या करते हैं उसी वाले ग्लू से लगाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि वो चिपकती नहीं है। उस टाइम तक चिपकेगी, लेकिन एक घंटा दो घंटे के बाद वो निकल ही जाती है। तो मेक श्योर जब भी आप ग्लू लें तो ग्लू अच्छा वाला होना चाहिए। मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो है ग्लू, ये मिस क्लेयर का ग्लू, काफ़ी अच्छा है। 295 रुपीज़ का आता है, आप एक बार ज़रूर ले लें और ये काफ़ी टाइम चलता है। लाइक आप जितनी बार भी रेडी होंगे कम से कम आप उसको 20 टाइम तो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा वाला ग्लू है। तो सबसे पहले तो आप लैशेस लें जो कि रियल लगनी चाहिए। सेकंड ये कि आपका ग्लू अच्छा होना चाहिए, मेन तो ग्लू है। अगर आपने ग्लू पे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इसका मतलब आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है आई लैशेस लगाने का। तो ग्लू मेक श्योर अच्छा लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करना है, कैसे लगाना है आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। और हाँ, वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करना, और हाँ सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। साइड में एक छोटी सी बेल आइकन होगी, बेल घंटी होगी, उसको भी ज़रूर से हिट कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईलैशेस के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3D मिंक आईलैशेस। तो ये कुछ इस तरीके की है, और आप जब भी आईलैशेस देखेंगे तो जो ये वाला जो साइड है ये छोटा वाला साइड है, और ये वाला जो साइड है वो बड़ा वाला साइज़ है। आप इसकी शेप से भी देख के पता लगा लेना, जब भी कुछ इस तरीके से रखी हो ना, ये आई की शेप है बिल्कुल। तो आपको यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट नहीं करना, और सबसे पहले तो आपको मेज़र करना है। मेज़र कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम आईलैशेस को मेज़र करेंगे लाइक इस तरीके से। आपको ना हल्का सा इनर कॉर्नर में छोड़ना है, और यहाँ पे रख के इसको आपको चेक करना है कि कितना एक्स्ट्रा है। तो ये मेरे लैशेस के लिए ठीक है, बस हल्का सा मुझे इसको कट करना पड़ेगा लाइक इसके एक या दो बैंड। तो मैं इसको कट करती हूँ कि कट कैसे करना है। और जो इसके बड़े वाली साइड है ना, सिर्फ मैं इसको एक ही या दो इसकी जो लैश है ना, सिर्फ उसको कट करूँगी इस तरीके से। अभी हम क्या लगाएंगे, लगाएंगे ग्लू। और ये जो मैं ग्लू ले रही हूँ ना, ये है मिस क्लेयर का, बहुत अच्छा ग्लू है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर ये इस तरीके से है, आपको पहले इसको मिक्स करना है अंदर ही। मिक्स करने के बाद आपको इस तरीके से निकालना है, और इसकी जो ये लाइन होती है ना, लैशेस लाइन, ये वाली लाइन आपको सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना है। और जो इसके ये वाले साइड है ना, ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ध्यान दें कि इस वाले कॉर्नर पे ठीक ठाक लगाएं, थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएं, क्योंकि जब भी लैशेस निकलती है ना, या तो फिर इस साइड से निकलती है या फिर इनर कॉर्नर से, ये दो साइड से ही लैशेस जल्दी उतरती हैं। तो इस वाले दोनों साइड में जो ग्लू है वो अच्छे से लगाएं, फिर इसको कुछ सेकंड के लिए ड्राई होने दें। एकदम से इसको ऐसा ना लगाएं वरना ये चिपकेगा ही नहीं, है ना। तो इसको थोड़ा सा ड्राई कर लो। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक मैं दूसरी लैशेस पे लगा दूंगी। तो ये मैंने दूसरी लैश पे भी लगा दिया। और जब आप ग्लू लगा लेना, इसको इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, आपको इस तरीके से इसको करना है ताकि ये इजीली फिट हो जाए हमारी, क्योंकि लैश इस तरीके से होती है ना, ये उस लाइन में अच्छे से फिट हो जाए। आपको इस तरीके से करना है या फिर ऐसे करना है। ये करने के बाद
और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे रखना है हाथ। कभी भी आप आई लैशेज को इस तरीके से नहीं लगा सकते, और काफ़ी लोग क्या करते हैं ऐसे लगाते हैं, वो लगा ही नहीं पाते, कोशिश करते रह जाते हैं और वो फिर बहुत अटपटी सी लगती है। पहले आपको लैशेज को इस तरीके से पकड़ना है और हाथों को ऐसे बैंड करना है, ठीक है। बैंड करने के बाद आपको ऐसे देखना है और पहले सबसे पहले सेंटर में रखना है इस तरीके से, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद आपको एडजस्ट करना है, फिर यहाँ से इसको आपको खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे कि एकदम टाइटली स्टिक हो जाए। और फिर आपको इनर कॉर्नर में इस तरीके से सेट करना है, तो ये भी बिल्कुल अच्छे से चिपक चुकी है। और आपको यहाँ से भी ना इस तरीके से इसको प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। एंसी कितने इजी तरीके से लग गई है और देख रहे हैं। तो दूसरी भी मैं इसी तरीके से अप्लाई कर दूंगी। आपको लैशेस लेनी है, हाथों को ऐसे बैंड करना है, इस तरीके से नहीं लगाएंगे, ध्यान देना, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। आपको हाथों को इस तरीके से बैंड करना है, देख रहे हो कोनी, इस तरीके से आपको बैंड करना है और आपको रखना है थोड़ा सेंटर में सबसे पहले, और इनर कॉर्नर से थोड़ा सा छोड़ के बिल्कुल सेंटर में इसको रख दीजिए। और उसके बाद इसको अच्छे से दबाइए और यहाँ से थोड़ा सा खींच के इसको इस तरीके से सेट करिए इनर कॉर्नर में भी। तो आप देख रही हैं ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो गई है। और एक चीज, जब भी आप आई लैशेज लगाएं, आपको आई लैशेज लगाने से पहले एक बार आपको लाइनर लगाना है। लाइनर लगाने के बाद आपको फिर मस्कारा लगाना है, मस्कारे के बाद आपको आई लैशेज अप्लाई करनी है, ठीक है। ये चीज हो गई। और जब आपकी आई लैशेज लग जाए, ड्राई हो जाए अच्छे से, फिर आपको उसके ऊपर लगाना है आई लाइनर। तो अभी अगर आप देखेंगे, अगर मैं आईज क्लोज करूँ तो देख रहे लाइनर की फिनिशिंग कम हो गई है। तो जब हम आई लैशेज लगाते हैं ना, उसके बाद आई लाइनर की जो फिनिशिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और लैशेज का जो बैंड होता है उसको भी हाइड करने के लिए ऊपर से लाइनर को अप्लाई करना ज़रूरी होता है। तो इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखा करें जब भी आप मेकअप करें। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये मेरा बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है, स्टिक हो गई है लैशेज, मैं लाइनर ले रही हूँ, देन उसके बाद एक लाइन करूँगी। दोनों में भी डिफरेंस देखिए, इस आई का जो फिनिशिंग है और इसकी जो फिनिशिंग है, दोनों को देखिए कौन सी वाली ज़्यादा बेटर लग रही है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे क्योंकि मैंने तो आंखें बंद कर रखी है, तो आप दोनों में फ़र्क देखिए। इस वजह से लैशेस लगाने के बाद लाइनर लगाया जाता है। सो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी। तो अभी मैं इसमें भी सेम ऐसे लाइनर लगा लूँगी। आपको ये वाली आई लैशेज लगाने की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। एंड सी देख रहे हैं कितना ज़्यादा मुझे टाइम हो गया है इसको किए हुए, और ये अभी तक एज इट इज स्टिक है। आप इसे खींचेंगे तो ये नहीं निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लू अच्छा वाला लगाया है। ये लैशेज तभी निकलेगी जब आप इसको यहाँ से खींचेंगे। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।